हैप्पी बर्थडे निमरा, हैप्पी बर्थडे टू सिद्धू पाज जी। तो चले गए पर उनका नाम रह गया है जो हमेशा रहेगा। सिद्धू पाज जी को पाकिस्तान में भी बहुत प्यार दिया है सबने। तो जी मैंने देखी सरदार जी की दुकान और अंदर चले गई इंडियन ज्वेलरी देखने, और देखते हैं कैसी कैसी ज्वेलरी है इनके पास। थे नायक ईद के कपड़े बहुत अच्छे। फाइनली ये नायक ही हो चुके हैं ईद की शॉपिंग। अनिला ने भी ले लिया कुंडी डंडा, शायद इसमें कुंडी डंडे में मुझे डाल के कूटेगी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपके रोजे बहुत खुशबाश और हंसी खुशी गुजर रहे होंगे। सो जी आप देख रहे होंगे कि आज हम दोनों ने एंट्री क्यों कर दी है, इसलिए कर दी है बजने वाले हैं 12। और जी आज है निमरा की बर्थडे है, तभी अभी तक हम तो आज है जी निम्मी की बर्थडे, आज उतरा था चांद जमीन पे, और इसलिए हम अभी घर नहीं गए, चांद को आसमान पे पहुंचाना है, जाने ले गए हैं केक लेने जी। तो 11:10 हो चुके हैं, तो अब हम जाएंगे केक लेने, उसके बाद जाएंगे नीला के घर, फिर करेंगे बाद में थोड़ी देर सहरी, अभी जाएंगे पहले नीला के घर। यस तो मैं हीरा को ऐसा पूरा दिन तंग करती रहती हूँ बेचारी, पता नहीं कैसे मुझे झेलती है, कैसे ऐसे झेलती हूँ झेल रही हूँ। तो हम जाते हैं, देखते हैं निम्मी को सरप्राइज करते हैं। ओके बाय बाय। कर दिया है ड्रॉप, अब लेने जा रही हूँ केक लेके आती हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो जी बेकरी में आके मैंने पूछा केक है, तो कहते नहीं लाना पड़ेगा, फिर काफी वेट किया और केक मिल गया। चुकी हूँ ऊपर जाके देते हैं निमरा को सरप्राइज। तो मैं आई तो नीला पहले ही आगे हाजिर थी और दरवाजा खड़का, तो मैं नीचे को होगी कि क्या निमरा ना निकल आए तो हमारा सरप्राइज हो जाएगा खराब। तो जाते ही नीला को मैंने कहा इस बॉक्स को खोलो और केक को सजाओ, प्लेट में लेके जाए निमरा के लिए सरप्राइज। उसको मैंने कह दिया था मैं घर चले गई हूँ, तो उसको लगता था मैं घर हूँ, मैं नहीं आऊंगी केक लेके। सो मैं सरप्राइज लेके आ चुकी हूँ, निमरा को बहुत पसंद आया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे निमरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। कट हो गया ये ना, ये करो ये करो ये पैसे भी दे दो मुझे। तो सहरी का दस्तरखान लगना स्टार्ट हो चुका है। 2000 years later. चार्ट और पेंसिल देख के आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों रखा है। ये मैंने उन औरतों के लिए रखा है जो बहुत बहस करती हैं और हमें पूरी पेमेंट नहीं देती आईब्रोज के। सो आज के बाद वो पूरी पेमेंट दिया करेंगी। ये चार्ट पढ़ने के बाद खुद शर्मिंदा होकर कम नहीं करवाएंगी पैसे। आईब्रोज में क्यों कम करवाने पैसे यार। समझते हैं पार्लर वालों की जिंदगी बहुत आसान और बहुत अच्छी होती है, बट उनको ये नहीं पता ये काम सीजन के हिसाब से होता है। 6 महीने ये काम होता है और 6 महीने ये काम होता नहीं है। सो जब काम होता है तब भी औरतें जो है मीना कारी मसलन नुकता चीनी करती रहती है, इतने कर ले उतने कर ले इतने कर ले उतने कर ले। ऐसे तो नहीं ना होता, आपने 6 महीने बाद भी पैसा निकालना है और वो भी नहीं निकाल सकती, तो खैर क्या कह सकते हैं हम इनको, हमारा तो काम है, हमने तो कर ही देना है। पेशिक पे मैंने लगा दी थी, अब ये लगेगी दीवार पे। और हमने जाना था मार्केट अनाया की आज करनी थी की शॉपिंग। तो ये देखे कितना प्यारा लग रहा है हमारी दीवार पे। अब जो चेयर पे बैठेगा इसको देख के खुद ही कहेगा कि बाजी मैंने देने हैं 120 रुपए आपको, क्योंकि वो ये 60-70 तो बोलेगा ही नहीं शर्मिंदगी के मारे अपने। कहाँ जाना है? चलो मैं जा रही हूँ, चलो आ चले। क्या लेना है नया? हाँ जाने, वो कह रही थी मेरा चक्कर लगेगा ना, वो जाने। ये ले ले अपन, ऐसी बच्चों की अच्छी लगती है, जो लेना ले। मेरा देखो मानो है और एप्पल है, क्या ले जो प्यारा लगता है नया, विच इज गुड कलर ड्रेस। तो जी फिर नेक्स्ट स्टोर लगा था ये ग्लासेस का। हीरा यहाँ से देख रही थी अपने लिए ग्लासेस, उसने शॉर्ट बीटा के लिए लेनी थी, उसको पसंद नहीं आई। फिर हमने शूज देखे, फिर आ गए चूड़ियों का, ज्वेलरी का, बहुत सारे स्टॉल्स आ गए। नायक जहाँ से हमने ड्रेसेस लिए हैं यहाँ से बाय किए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और ये ड्रेसेस जो हैं हम ऐसे कैजुअली यूज़ करने के लिए ले रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे नायक के ड्रेसेस लिए हैं। उसकी सारी डिटेल, उसकी ज्वेलरी शूज़ की डिटेल्स मैं एक वीडियो डाल दूँगी। बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किए हैं, काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर लग गया और वन बाय वन एक एक चीज़ निकाल के भी देख रहे थे।
साइज भी साथ चेक कर रहे थे कि नाया के लिए साइज जो है उसके साइज के अकॉर्डिंग ही लें ताकि उसको फिर बड़ा छोटे का प्रॉब्लम ना हो। तो निम्मी यहाँ पर सारी मेजरमेंट कर रही है साइजेस वगैरह की, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर है, समर कलेक्शन आ चुकी हैं बच्चों की और बहुत अच्छी क्यूट लगते हैं ऐसे टी शर्ट्स वगैरह। तो जी मार्केट जाने के बाद अंदाजा हुआ कि जो बच्चों की प्राइजेज है ड्रेसेस के, शूजेस के एंड ज्वेलरी वगैरह एवरीथिंग ऑफ ऑल इतने ज्यादा कॉस्टली के पता चल गया जी महंगाई का दौर स्टार्ट है। बड़ों की चीजें इतनी महंगी नहीं है जितनी बच्चों की चीजों ने आग लगाई हुई है मार्केट में। तो ये देखिए कितना प्यारा क्यूट सा पेयर है, और ये जो है ना इस तरह के तीन चार और पीसेस थे हमने एक लिया। यहाँ पर भी हमने नेक्स्ट स्टॉल पे आ गए, नाया के शूजेस देखने थे, बहुत ही प्यारे प्यारे एलिगेंट से बच्चों के, बहुत क्यूट लगती है मुझे चीजें। और यहाँ पर आप देखिए कि कितने प्यारे प्यारे कलर और एलिगेंट सी चीजें हैं। और जी ईद तो बच्चों की ही होती है, कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है। तो जी यहाँ पर एक सरदार पाजी की दुकान थी, मैं वहां पर गई और मैंने पूछा जी आपके पास इंडियन ज्वेलरी पड़ी है? तो जी फिर उसने अपने साथ वाले को कहा कि बाजी को इंडियन ज्वेलरी दिखाओ। साथ वाला बोला कि अगर होगी फिर ही देंगे, फिर आपने मेंशन क्यों किया भाई, लिखा क्यों है जी इंडियन ज्वेलरी? तो ये बात मुझे उनकी लॉजिक समझ नहीं आया। खैर फिर हम पहुंच गए जी जूतों की दुकान पे, जूते बड़े मजे मजे के कलर की और बड़े अच्छे अच्छे फैंसी भी थे। ये हीरा को बहुत अच्छा लगा और उसने बाय नहीं किया, कहती नेक्स्ट टाइम ले लूंगी। तो यहाँ पर फिर क्रेविंग होने लगी आइसक्रीम की, मुझे नहीं अनाया को, तो अनाया के लिए आइसक्रीम ली। फिर ये जो कुंडी वट्टा की बोल देने चक्का कुंडी, ये मुझे पसंद आ गया था, ये 150 का बोला उसने, मैंने 100 रुपए में ले लिया। तो जी थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बार्गेनिंग के बाद प्राइस थोड़े से लेस हो ही जाते हैं। फिर हमने क्या किया जी, हम आ गए जी रिक्शा पकड़ के घर को, बहुत थक चुके थे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे दिल की ये दुआ है।